मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर। कानपुर प्रकाशनार्थ, आज दिनांक 18 नवंबर 2022 को जोहारी देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज कानपुर में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2021-2022 से तृतीय वर्ष की छात्राओं को महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर ममता वर्मा व वरिष्ठ शिक्षिकाओं द्वारा लगभग सभी छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ समिति सदस्यों श्रीमती नम्रता सिंह, डॉक्टर कुक्षिश, डॉक्टर रागिनी श्री, अंजनी तिवारी, श्री अशोक यादव ने सहयोग किया तथा नोडल अधिकारी डॉक्टर खुशबू ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। नोडल अधिकारी स्मार्टफोन टैबलेट प्रोफेसर ममता दाय, प्राचार्य कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर खुशबू, नोडल अधिकारी टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना, जो आज स्कूल में पूर्ण टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को आज स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं, जिसमें हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षिकाओं और हमारे समिति सदस्यों के सहयोग के साथ बच्चों को मोबाइल वितरित किया जा रहा है और सभी बच्चे बहुत उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज लगभग 200-250 के आसपास बच्चों को बांटा गया है। अभी पूरी संख्या हमारे पास नहीं आई है क्योंकि अभी वितरित किया जा रहा है और जो बच्चे अभी आज नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए प्रयास किया जाएगा कि वो कल आके या फिर अगले किसी अगले दिन आके उस मोबाइल को प्राप्त कर लें। अभी लिस्ट नहीं आई है क्योंकि अभी काम चल रहा है, फाइनल लिस्ट आनी है, लेकिन एक अंदाज़ा मैं आपको बता सकती हूँ कि 200-250 के आसपास बच्चों को अभी तक फोन मिल चुका है, फाइनल लिस्ट अभी मेरे पास नहीं। मैं सभी बच्चों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तकनीकी सशक्तिकरण हेतु छात्राओं को स्मार्टफोन और पूर्व में टैबलेट प्रदान किया। सभी प्राचार्य जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर। मैम, जो आपके कॉलेज में आज मोबाइल टैबलेट का वो हुआ है वितरण, तो ये कब से मैम हो रहा था? इसके लिए इस पूर्व में हमारे यहाँ जो है 2021-22 में भी टैबलेट का वितरण किया गया था जो कि पराष्ठातक छात्राओं को दिया गया था, किंतु इस समय जो स्मार्टफोन वितरण हो रहा है वो ये तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए है और इसमें 346 स्मार्टफोन आए हैं। इसकी नोडल अधिकारी डॉक्टर खुशबू व उनकी टीम है, इनके द्वारा यह कार्य संपादित किया गया। लगभग जितने बच्चे यहाँ उपस्थित थे उन सभी लोगों को टैबलेट दे दिया गया है। हमारे यहाँ 346 बच्चों की लिस्ट आई है जिसमें लगभग सभी छात्राएँ उपस्थित हैं। तो मैम, ये आपकी पहली बार बैठा, उससे पहले आप बैठ चुके हैं? इससे पूर्व में जो एमए की छात्राएँ थी उनको 2021-22 में दिया गया था, सत्र 22-23 में जो है बीए थर्ड ईयर के बच्चों को दिया जा रहा है। मैम, मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहती हैं स्कूल के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी श्री योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनके द्वारा आज छात्राओं को तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश मिल गया है, क्योंकि हमारी छात्राएँ जो कि बहुत गरीब तबके से आ रही हैं, जिनके पास फ़ोन की सुविधा ना होने के कारण वो अपने फॉर्म कैफे में जाके भरवाती हैं, जिसका ओटीपी वगैरह भी उनके कारण उन्हें बहुत सी परेशानी का सामना करता है,
करना पड़ता है और आज छात्राओं के हाथ में खुद ही एक स्मार्टफोन होगा तो वो इसके लिए इधर उधर नहीं भटकेंगी और अपने कार्य को अपने घर में बैठ करके भी यहाँ पर संपादित करेंगी। और इसके लिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चैनल के लिए। थैंक यू।